गद्दीदार सीट मिल गई है, जल्दी आता हूँ। ये क्या है, अपनी माँ की गोद समझ रखी है क्या? आके बैठ गया बंदर की तरह। इतना आराम से जाने का तो अपने लिए गाड़ी खरीद लेना। क्यों, तू खरीद लेना, तूने भी तो कोट सूट पहन रखा है। हाँ, तेरे बाप ने दहेज में दिया था। अबे शक्ल देखी अपनी, चल हट, खिसक यहाँ से। जरा इधर रोक दो, रोक दे, रोक दे। अरे ये लो भैया। बहन मेरे पास छुट्टे नहीं है, भैया से सेटल कर लो ना, चल चल। किसमी क्या है, क्यों भौंक रहा है इतना? एक किसमी बोलता है इंग्लिश इंग्लिश। तेरी इंग्लिश मेरी कुछ काम की नहीं है, चुपचाप आ, अपने आप को अंग्रेज समझता है। समोसे समोसे ले लो, समोसे फर्स्ट एक करा रहे समोसे। काका समोसा गरम है क्या? दीदी सुनो। ए क्या है बे, मैं तेरी दीदी दिखती हूँ तुझे? हाँ रे क्या है, तेरे को दीदी तो बोला है, इतना चढ़ काई को रही है मेरे पे? पैसा दे मेरे को भूख लगी है। मेरी पहली बोनी तुम ही करोगे, खुले पैसे नहीं है मेरे पास। समोसे समोसे। तू क्या फास्ट लोकल बनी है, पैसा लेकर भाग जा रही है? हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरे 10 रुपए से तो मैं अपने लिए ताजमहल खरीद लूंगी ना। बुढ़िया के जैसे जहर काई को उगलती है। ए बकवास क्यों कर रहा है, पहले दीदी बोला फिर बुढ़िया बोल रहा है, सवान संभाल के। हाँ तो 10 रुपए तेरे को मामूली लगता है क्या? 10 रुपए में क्या क्या ले सकता हूँ बताऊँ क्या? 2 समोसा चटनी के साथ, 4 रोटी सब्जी, इडली और वड़ा भी खरीद सकता हूँ, आलू पराठा, चाउमीन, कांदा भजी, उबला हुआ 2 अंडा, कांदा मार के आता है 10 रुपया में। एक नंबर का भुक्कड़ लग रहा है। हे, जरा दूर चल ना, कोई देखेगा तो गलत समझेगा। स्कर्ट की जगह शर्ट पहन के घूमती है, वो गलत नहीं है क्या? क्या क्या नहीं, तेरा ब्याह। ए रुक ना, मेरे को पैसे दे दे, इधर काम पे जाना है। यहाँ हाँ। पर मुझे भी यहीं पर काम है, अंदर जाके किसी से छुट्टे लेके तुझे दे दूंगी। हाँ। ठीक है। ए सुनना, येड़ा तो नहीं बनाएगी ना? ए चल निकल यहाँ से। ओए करण, बेटा तेरी शादी है क्या, दुल्हन को लेके आया? ए उसके साथ रिक्शा में आया, 10 रुपए लेना उससे। क्यों, तेरे पास पैसा नहीं था क्या आने को? अभी उधर देखना, वही है लड़की का मेन बॉडीगार्ड, जी जाए उसका। साली आधी घरवाली होती है तो उसको अपनी घरवाली बनाने की मत सोच बेटा, काम पे ध्यान दे और ख्याली पुलाव मत पका। अंदर बहुत मस्त बिरयानी बनी है, जाके ठूस ले जा। आरुषि तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी बेटा, और पापा कहाँ हैं? पापा की तबीयत दरअसल कुछ ठीक नहीं है, पर भैया और जीजा जी आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, फरहाना से मिल ले और उसके बाद काम पे लग जा। ठीक है ठीक है। ए करण, हाँ भाई, कभी आया तू? बस अभी। चल जा किचन में, जा काम संभाल। अरे अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ, जल्दी करो तैयार हो जाओ। हाँ, कर रही हूं। ये क्या पहन रखा है, अच्छे कपड़े नहीं है क्या? सुनो इसे कुछ पहनने के लिए अच्छे कपड़े दो। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, दे दो इसे। शादी के माहौल में पका रहे, डीजे भी नहीं लाए, कंजूस मक्खी चूस कहीं के। रफीक भाई सारा इंतजाम अच्छी तरह हो गया। ठीक है ठीक है, जाओ आप। अबे अंग्रेज, उस बोरी को लेके यहाँ पे आ। क्या करना है? अरे लेकर तो आप फिर बताते हो। हाँ। उठा कर रख इसमें। अब उठा। अरे वाह सही है भाई, उधर दूसरी शादी चल रही है, तू यहाँ अपनी शादी मना रहा है। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। अब क्या हुआ? बताएगा हुआ क्या? मेरी पैंट फट गई। प्लीज किसी को बताना मत ना। हाँ हाँ ये तो ब्रेकिंग न्यूज है ना, जो टीवी चैनल पे आएगा। शर्ट नीचे खींच और उठा। नहीं नहीं अब क्या, अंदर चड्डी भी नहीं पहनी है। पागल कहीं का। ठीक है नीचे एक रूम है, वहाँ पर आ जाना, लेकिन थोड़ी देर के बाद। हाँ समझा? ऐसे क्या खड़ा है बे, हग दिया क्या? पैंट फट गई है रे। अरे रे, फट गई भाई की पैंट।
अरे भाई लोग बिरयानी मस्त बन रही है ना। हाँ बनाओ बनाओ। दूल्हे के भाई तो बड़े बेवकूफ हैं। अरे पागल, तुझे थोड़ी देर के बाद आने के लिए कहा था ना। इसे कुछ पहनने को दो, इसकी पैंट फट गई है। ये ले पहन ले। ये यहाँ पर नहीं, बाथरूम के अंदर जाके पहन। यहीं पे पहन ले ना। तेरे में कोई तमीज है कि नहीं? छी, चल जा। बेटा करण। अरे दादी, मेरे लिए लेकर आई है। कहना आप भी पियो ना। मैंने तो पी लिया। अच्छा सुन ना, तू घर आएगा ना तो मेरे लिए थोड़ी सी बिरयानी पार्सल लाएगा। चिकन या मटन? अरे कुछ भी ले आना, मटन बिरयानी मिले तो मजा आ जाएगा। बिरयानी खाए हुए कितना समय हो गया। ठीक है जाओ, मैं लेकर आता। मेरे को नहीं पीना। क्यों? क्या ये करके बोलती रहती है, ऐसा लगता है किसी चोर को बुला रही है। तूने नाम बताया ही नहीं अपना, अब बता दे क्या नाम है। फटी पैंट। करण कुमार। ओके करण जी, ये लो पी लो। अस्सलाम वालेकुम। सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तिरुनेल वैली डिस्ट्रिक्ट के हाजी खाजा के बेटे मोहम्मद शब्बीर का निकाह चेन्नई के रोयापुरम के रहने वाले लतीफ पाशा की बेटी फरहाना बीवी से 10 तोले सोने की मेहर के साथ आप सभी लोगों के सामने तय किया जा रहा है। इसमें आप सभी लोगों की दुआएं चाहिए। आपको निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। दस्तखत कीजिए। मुबारक हो बेटा। अच्छे से खाइए ना। अरे और लीजिए ना। यहाँ इन्हें और दो। अरे आप और खाइए ना। भैया पीस तो दिया ही नहीं, बड़ा वाला पीस डालो ना। बड़ा पीस नहीं है, बड़ा लाफा है, दूं क्या? एक तरफ में आती हूँ। इतना पीस पीस क्यों चिल्ला रहा है? ये ले, ठूस ले अब। पीस चाहिए? पीस के बदले 10 रुपए मत रख लेना। चुप पकड़। अरे आरुषि इधर आ। सारे काम तू अकेली करेगी क्या? चल खाना खाने बैठ। नहीं कोई बात नहीं। खाना बैठ, चला। बस बस बहुत नहीं। कितनी मेहनत करती है, थोड़ा खा ले। कितनी दुबली हो गई है। हाँ ये लो करण बेटा, मैंने तुम्हारी बिरयानी। सब अच्छे से बिरयानी। ये क्या ले जा रहे? बिरयानी भाई, दादी ने मंगाई थी तो वही लेकर जा रहा हूँ। पैकेट क्या पूरी हांडी ही लेके जाना और फिर सब मिल के ठूस के खाना? भिखारी कहीं का, तुम्हारी फितरत ही ऐसी है, जितना खिलाओ उतना कम है। भूखे नंगे कीड़े किसी नाली में जाके सड़ सड़ के मर क्यों नहीं जाता तू? और चिचा, इसने मांगा और आपने दे दिया, आपकी अकल क्या घास चरने का? ये इनका क्या है, खाने के लिए जीभ लपलपाते रहती है इनकी, बेशरम है ये। वापस रख सारी बिरयानी, चेप गया। अब इनको पार्सल भी चाहिए, पूरे गांव को बांटेंगे जैसे कि दूल्हा यही है। आग तेरे, रुका तो घर पे आके मारूंगा। क्या हुआ, क्या कहा उसे? अरे करण तो दादी के लिए बिरयानी ले जा रहा था, इन्होंने बेचारे को डांट के भगा दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या खाला, अब बच्चे की साइड ले रहे और मेरे को सुना रहे? क्या हुआ अम्मी? रफीक देखना इन्होंने क्या किया। ए रुकना, क्या है? वहाँ से गुस्से में क्यों भाग गई? तुझे क्यों बताऊँ मैं? तूने तो खाया भी नहीं, मेरे पे अब भी गुस्सा आ गया। ए तुझे अपनी इज्जत नहीं है क्या? इतनी मेहनत की, इतना काम किया, अपनी दादी को खुद बिरयानी नहीं खिला सकता? उनकी गालियाँ क्यों सुन रहा था? अपने लिए नहीं, दादी के लिए चाहिए थी। दादी के लिए? पर मांगी तो भीख ही ना। छी, चल यहाँ से। अब से अपन भीख नहीं मांगेगा। हाँ तो मुझे क्यों बता रहा है? इसके लिए तू ही तो गुस्सा की ना। ये ले इसे।